चलो चलो चलो, सब लोग जा रहे हैं। ये पूरा बोरा वोरा सब लेके आया है आम तोड़ने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? और अभी है शाम का समय, हम लोग अभी छत पे हैं और मम्मी गई हैं हम लोगों के लिए स्पेशल। मम्मी के हाथ का गुलगुला हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी गई हैं गुलगुला बनाने के लिए और मैं छत पे थी तो सोची कि यहीं से अपना जो है ना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए हम चलते हैं नीचे, मम्मी को दिखाते हैं कि मम्मी कैसा गुलगुला बनाती हैं और इसके बाद हम लोग अभी जाएंगे गुलगुला खाने के बाद मम्मी का स्कूल, क्योंकि वहाँ पर आम का पेड़ लगा हुआ है, आम पक के तैयार भी हो गया है, तो वो अभी पापा तोड़ेंगे और चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। मम्मी देखिए, आज आपको किचन में मम्मी दिख रही हैं क्योंकि मम्मी बना रही है यहाँ पर गुलगुला, क्योंकि हम दोनों बहनों को मम्मी के हाथ का गुलगुला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी हम लोगों के लिए स्पेशल गुलगुला बना रही हैं। बहन हाथ लगा रही है, इसको भी खाना है। आप लोग इसको क्या बोलते हैं? पकौड़ी नहीं बोलते हैं कोई, हाँ मीठा मीठा पूरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको बताइएगा। हाँ, हम लोग के यहाँ तो गुलगुला बोलते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। ये अचार के साथ हम लोग अभी खाएंगे, अचार के साथ ही अच्छा लगता है ये। और बच्चे सभी लोग ले लेके खा रहे हैं, सब लोग बाहर इंजॉय कर रहे हैं अभी। तुम देखेगी खाली खाएगी नहीं? कैसा बना है लड़की? बहुत टेस्टी लग रहा है। और चलिए भाभी को दिखाते हैं, भाभी मेरी क्या कर रही हैं। तो भाभी यहाँ पे बिन रही हैं दाल, क्योंकि आज दाल आया था। तो यहाँ पे देखिए दोनों माँ बेटी बैठ के दाल चुन रही हैं। बच्चे पार्टी मना रहे हैं गुलगुले के। कैसा लग रहा है अंश गुलगुला? बहुत अच्छा बना है ना? नानी के हाथों का कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है अली? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ये हम लोग खाएंगे अचार के साथ। बहन भी अपना अचार लेके आई है। भाभी आप नहीं खा रही हैं क्या? अचार नहीं अच्छा लगता है? खा रहे लड़की? भाभी तो सुंदर बन गए हैं। हाँ, भाभी डाइटिंग पे हैं इसलिए अचार नहीं खा रही हैं, है ना भाभी? हम लोग सुंदर पहले से ही हैं, है ना भाभी? भाभी को देख सकते हैं डाइटिंग कर करके एकदम से सुखरी नहीं पतली हो गई हैं, फिर भी डाइटिंग इनका चालू है। चलो चलो चलो, सब लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मतलब शाम का समय है, अच्छा लगता है, तो हम सभी लोग जा रहे हैं। और ये देखिए अंश को, ये पूरा बोरा वोरा सब लेके आया है आम तोड़ने के लिए। चलो बोरा दे। हंस कह रहा है गिर जा पा रहे अमृता। और ये देखिए आम तोड़ने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं। आम आम तोड़ के फेंकना नहीं, गरम ले लो, गरम आम ले लो। हाँ, ये आम का दूध है। हाँ, इसको इसको नहीं छूना चाहिए, इससे घाव हो जाता है। इसको रख दो, नीचे रख दो अभी जाओ। और ये देखिए नानी नाती सब लोग मिलके यहाँ पर आम तोड़ रहे हैं। और यहाँ पर मेरे पापा अभी आम तोड़ने का जुगाड़ लगा रहे हैं, ये देसी जुगाड़ है। मम्मी बोरा लेके खड़ी है कि पूरा आम भर के ले जाएंगे अभी। ऐसे नहीं टूटेगा माहिर, ऐसे नहीं टूटेगा।
करने के लिए। बहन मेरी चढ़ गई है सीधे पेड़ के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं, वो देखिए ये आम तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ी है। और इसको देख देख के मेरा भी बहुत मन हो रहा है कि मैं भी ऊपर चढ़ के आम तोड़ूं, लेकिन अगर मैं पेड़ पर चढ़ गई तो फिर आपको कौन दिखाएगा कि आम यहाँ पे कैसे टूटा, मतलब तोड़ा जा रहा है, सॉरी। और सारे बच्चे एंजॉय कर कर के तोड़ रहे हैं, पापा मम्मी घर के सारे बच्चे सब लोग मिले हुए हैं तोड़ने के लिए, कितने खुश लग रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो शायद इसीलिए गर्मी छुट्टी होती है कि बच्चे अपनी रूटीन से थोड़ा सा अलग हो के काम करें, उनको भी अच्छा लगता है पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा अलग हो जाए, मूड उनका फ्रेश हो जाए। और गांव मुझे इसीलिए सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि शहर में हम लोग उस तरीके से तो जी ही नहीं पाते हैं। एक नेचुरल, हर एक चीज़ नेचुरल, मुझे इसलिए गांव बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी शादी शहर में हुई लेकिन मेरा जो दिलो दिमाग है ना वो गांव में ही बस गया है। अच्छा लगता है मुझे गांव का हर एक चीज़। और आप देख सकते हो सब लोग मिल के यहाँ पे एक काम को सब लोग मिल के कर रहे हैं। तो चलिए बैक कैमरा से आपको अच्छी दिखाते हैं। देखे देखे कैसा ये पका हुआ है क्या, ये देखो क्या हुआ, होगा तो पता नहीं चलेगा। तुम लोग कहाँ से आ रही है खड़े खड़े, तोड़ नहीं रही हो तुम लोग, तुम लोग भी मदद करो बेटा, बचा के आँख में दूध पड़ेगा उसका। और ये देखिए आम तोड़ने वाली को, हम लोग इसको बहुत दूर से मंगवाए हैं आम तोड़ने वाली को। कुछ नहीं होगा, देख के तोड़ना, लाओ मौसी अंदर। टूटा हो जाएगा सब क्या। और पापा का देसी जुगाड़ देखिए, ये गोरूल, ये देखिए ये आम पहले ही चिड़िया खा रखी है, ये देखिए ये पक के पहले ही तैयार हो गया है, ये देखिए मम्मी देखी ना ये चिड़िया खा ले के, या पापा चिड़िया खा ले के आम। और ये देखिए पापा का देसी जुगाड़, कितने सारे आम एक साथ टूटे हैं। बेटा दूर हो के उसका दूध पड़ जाएगा आंख में बेटा, नहीं ऐसे तोड़ना नहीं अपने आप के ऊपर, नाना तोड़ रहे हैं। और ये स्कूल है मम्मी का, तो अभी बंद है, गर्मी छुट्टी चल रही है तो बंद है, किसी दिन आएंगे तो टूर कराएंगे आप लोगों की। ये देखिए मम्मी तुम्हारी देखो कहाँ चढ़ के तोड़ रही है, हम भी आए क्या, हाँ अमृता। तुमसे टूट रहा है ना लड़की, और यहीं पे चापा कल भी लगा हुआ है, जिसको प्यास लगी है वो बच्चे पानी पियेंगे। माही को तो बड़ी मजा आ रही है यहाँ पर, क्योंकि चापा कल ये वहाँ पे देखा नहीं है, ये गाँव ही होता है ज्यादातर, तो इसको बहुत मजा आ रही है चलाने में।
देखो तुम्हारी दीदी कितनी बहादुर है, देखो पकड़ो आम पकड़ो तुम लोग। ये गिरा गिरा ही खराब हो जाएगा, उठाओ। कैच कैच गौरव गौरव बेटा पकड़ लो मासी से। हवा देखो ना पापा अमृता के ना देखो आये को गांव बच्चे ना देते ही और आप लोग के यहाँ किसके किसके यहाँ इस तरह से देसी जुगाड़ करके आम तोड़ा जाता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पर चापाकल भी लगा हुआ है। फ्रेंड्स कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आम यहाँ से टूटा है, ये खाया है, इसका आम का दूध लग के देखिए यहाँ पे घाव हो गया है। ये अंश तुम कितना आम खा लिया रे? पूरा घाव हो गया एक आम? हाँ मदद तो कर नहीं रही हो, देख रही हो हम कितना मदद कर रहे हैं। अरे झूला नहीं झूलना है यहाँ पे, पूरा ऊपर चढ़ी है एकदम सीधे आम के किनारे में, गिरना नहीं। ये देखो ये बंदर भी चढ़ा पेड़ पे। माही गिरना नहीं, दो लोग माही। वो देखिए जो भी आम तोड़े जा रहे ना वो उस बोरे में रखे जा रहे। हम लोग अभी 3-4 दिन पहले भी आए थे, बहुत सारे आम इसमें से तोड़े थे और आम और बचा हुआ था तो वो देखिए उसमें तोड़ के रखा गया है। और इसको अभी पकने के लिए इसमें थोड़ा सा कार्बेट रखा जाएगा और उसके 2-3 दिन तक इसको छोड़ दिए जाएंगे तब ये पकेगा। और ये देखिए कितना सारा आम टूटा है। और ये मालदा आम है, ये ना शहर में होता भी नहीं है लखनऊ में, ये खास बिहार में ही आम मिलता है, बहुत ही स्वादिष्ट आम होता है ये वाला। ये देखिए इसकी खुशबू ही ना एक बहुत अच्छी आती है खुशबू इसकी। मुंह अपने गिरा दे। हेलीकॉप्टर पे सवार है और दूसरे पंखी पे लटक है। वो ये सामने ही मतलब ये पेड़ हेलीकॉप्टर। अमृता ये पकड़ो पकड़ो आम पकड़ो, हो गया रहने दो अमृता, बहुत हो गया। हाँ हाँ ये क्या लाई फूल? वाओ ये देखिए यहाँ का फूल कितना प्यारा सा है। वाओ आ जा बच्चा सामने। वाओ ये भी फूल बहुत अच्छा है।
बच्चों को देखिए, ये लोग फूल तोड़ने में लगी है। मम्मी को दो, मम्मी को, मम्मी को। माई इसका हाथ धुला दो। और गौरव लेके आया है साइकिल, क्योंकि आम हो गई है ज़्यादा भारी, तो अभी पापा साइकिल पर ही लेके जाएंगे आम। और ये देखिए इन लोगों को कितना मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। कौन लगा रहा है? देखे हाँ क्या हुआ? क्या हो गया हाथ में? दिखाओ हाथ, दिखाओ। ओ, पूरा हाथ में दूध लग गया ना? हाँ दूध लगा हुआ। ये देखिए इतना भर के आम तोड़ी है लड़की, ये पूरा तोड़ी है। चलो चलो मैं ला ला, दोनों पकड़ के गिरे ले। चलो क्या, चलो घर चलो माही, चलो ना घर। और ये देखिए ये हमारे गांव की बकरी रुंझुन मुंझुन।